अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड व्लॉग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अतीक भाई फैमिली एक्सपेंस बता दें। ओमान में फैमिली को रखने के अखराजात और रेंटल्स और ग्रॉसरी और स्कूल फी एंड एक्स वाई जी, ये तमाम डिटेल्स एक रफली आइडिया दूंगा मैं, और वो 80 to 90% वेरी कर सकता है एरिया टू एरिया। अच्छा, इसमें अल्ट्रा में लेवल बेस्ट के मैं वो तमाम एक्सपेंस बता सकूं जो मोर और लेस बड़े ग्राउंड लेवल पर लाइक हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, किसी भी फैमिली को शिफ्ट होने के बाद फेस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक चैलेंज आता है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। बच्चों की एजुकेशन ओमान में कैसी है और उनके फी और तमाम एक्सपेंसेस क्या हैं। नंबर वन, मोर और लेस मस्कत मतलब कैपिटल है हमारे पास ओमान का, और हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कैपिटल है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, उसी तरह से उधर की लिविंग कॉस्ट, एक्सपेंस व तमाम चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। मैं जो भी चार्जेस और रेट्स अभी शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन है और एक सर्वे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी चीज़ को या उसकी कैलकुलेशन को अगर हम 100 ओमानी रियाल समझेंगे, तो हम मस्कत में रहते हुए या मस्कत को अगर हम उससे आइडिया लेंगे, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 25 to 30% आपने उसमें मजीद ऐड कर लेना है। अदर देन मस्कत, किसी भी ओमान के शहर में, मतलब बीसियों शहर है ओमान के, मोर और लेस जो एक्सपेंसेस हैं वो सेम है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें अगर सोहार में, जैसे मैं सोहार में बेस्ड हूँ, सोहार की अगर एग्जाम्पल लें, तो सोहार में यू कैन से कि हमें 2 bedroom एक नॉर्मल फैमिली के लिए, हम उसको यहाँ पे अपार्टमेंट को बोलते हैं 2 BHK। BHK मीन्स बेडरूम्स टू हॉल, जिसको हम लिविंग एरिया कह सकते हैं, हम टीवी लॉन्च कह सकते हैं, किचन एंड वॉशरूम्स एक्स वाई जी। 2 BHK हमें अच्छे एरिया में, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो कोई सिटी से हटकर होगा, क्योंकि रेंटल्स इतने ज़्यादा नहीं है ओमान में और बाकी एक्सपेंस इतने ज़्यादा नहीं है। मोस्टली मैंने पहले भी कई दफ़ा व्लॉग्स में शेयर किया कि एक्सपेंस और लिविंग कॉस्ट इज नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव, बट इट डिपेंड्स कि आपकी अर्निंग कैसी है। 2 BHK हमें मोर और लेस 100 ओमानी रियाल से लेके 120 ओमानी रियाल तक बहुत अच्छी लोकेशन पे और अच्छी मतलब अकोमोडेशन मिल जाती है। बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी हो, अकोमोडेशन थोड़ी सी पुरानी हो, कंप्रोमाइज हो, तो हमें 80 to 90 ओमानी रियाल पर मंथ रेंटल्स पे भी हमें बहुत आसानी से अपार्टमेंट मिल जाता है। विलास की तरफ अगर हम जाएं कि हमें 2 to 3 bedroom का विला मिल जाए, डिपेंडेंट यहाँ पे पार्किंग हो, थोड़ा सा ओपन एरिया हो, तो उनकी स्टार्टिंग कॉस्ट भी जो सोहार में स्टार्ट होती है वो 180 ओमानी रियाल से लेकर 200, 250, 230 ओमानी रियाल्स पर मंथ तक जाती है। नंबर वन। नंबर टू, यूटिलिटीज में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, हमारे पास पानी का बिल आ जाता है, हमारे पास गैस एंड XYZ, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास इंटरनेट। मोर और लेस 3 to 4 फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप 3 to 4 या मैक्सिमम 5 भी हैं, मोर और लेस मैं आपको एक लमसम बताऊं तो आपने बैक एंड पे 60 to 70 ओमानी रियाल पर मंथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपकी वाटर कॉस्ट, आपकी गैस और आपके इंटरनेट 60-70 ओमानी रियाल पर मंथ आपने इस बजट को अपने पास कैलकुलेट करके रखना है। ये बजट में मोर देन एनफ, आपके से ज्यादा एक्सपेंस नहीं होगा। तो रफली हम पहुंच जाते हैं 200 ओमानी रियाल पे। अब आ जाती है ग्रोसरी। अगेन मैं एक एवरेज कॉस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ग्रोसरी जो बेसिक ग्रोसरी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है ओमान में। 4 to 5 फैमिली मेंबर्स अगर हैं, आप बच्चे हैं या आपके साथ पेरेंट्स हैं, तो आपने ग्रोसरी का बजट, मैं ये बहुत सी चीजें शायद मैक्सिमम करके भी बता रहा हूँ, कम आप इसको कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। 120 ओमानी रियाल टू 150 ओमानी रियाल, 125 to 150 ओमानी रियाल में एक फैमिली की ग्रोसरी 100% मुकम्मल हो जाती है। मतलब आप बहुत भी एक्सपेंस करें, मतलब ओपन भी करें, लाइक खुला भी आप खर्चा करें ओपनली, तो मेरे ख्याल में 125 to 150 मनी रियाल से ज्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। हम चले जाते हैं 300 to 350 मनी रियाल अपने बजट में। एक चीज माइंड में रखें, हमारे पास इस टाइम भी मोर और लेस 11 to 12 क्लाइंट्स हमारे विला में मौजूद हैं जो रह रहे लोग। देखिए, अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, तो जो मैं अक्सर व्लॉग्स में बताता हूँ कि नथिंग इज लाइक द बेड ऑफ फ्लावर्स। आप कहेंगे यार आप जाएंगे और आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाएगी। खुद को टफ टाइम के लिए तैयार रखें, चैलेंजेस के लिए तैयार रखें। पाकिस्तान में भी रहते हुए आप एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मतलब आप जाएंगे और आपको हर चीज मिल जाएगी। हमारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, हम आपको गाइड जरूर करते हैं, हम आपको
एक एक रास्ता न सिर्फ बताते हैं हमारी टीम के तमाम मतलब कंप्लीट जो हमारी टीम मेंबर्स है वो आपको पूरी रहनुमाई देंगे, बट डेफिनेटली ये चीजें सर्च आउट आपने करनी है, ढूंढना आपने खुद है। जिस वजह से मैं मोस्टली क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि ओके फाइन, इफ यू कैन अफोर्ड, आप अफोर्ड करते हैं तो आप फैमिली के साथ जरूर शिफ्ट हो जाए, बट इनिशियली अगर एक मर्द है, अगर एक सिंगल आदमी है, तो वो 5 से 7 महीने अभी फैमिली को लेकर मत आए। आप खुद आए, अपने लिए बेड स्पेस अरेंज करें, अपना रहने का इंतजाम करें, अपना सारा सेटअप अरेंज करें, देन आप बिजनेस सेटअप करने के बाद फैमिली को बुलवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और इसके अंदर ऐड कर लूं कि यहाँ पे हमें फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मिलते हैं, पूरे ओमान में मिलते हैं, मस्कत में मिलते हैं, सोहार में मिलते हैं, निस्बा में मिलते हैं, खबूरा में मिलते हैं, तमाम शहरों में मिलते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 BHK सोहार में फर्निश्ड अपार्टमेंट लेने जाए, फर्निश्ड अपार्टमेंट, तो वो आपको कॉस्ट करता है 180 ओमानी रियाल टू 200 ओमानी रियाल। अच्छा, एक मजे की बात कहूं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज भी मौजूद है, हमारे रेफरेंस में, हमारे लिंक्स में ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं जो आपको, आप कहते हैं कि अगर मुझे फैमिली के साथ ट्रेवल करना है तो आप 1 मंथ के लिए फर्निश्ड अपार्टमेंट ले लें, आप फैमिली को शिफ्ट करें उस फर्निश्ड अपार्टमेंट में। मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि आपको ओवन, कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक केटल तक मिलता है। आपने ग्रोसरी की और आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए, उस 1 महीने में आपको आसानी ये होगी कि आप बाहर अपनी मर्जी का अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपार्टमेंट ढूंढें, उसको फर्निश करना स्टार्ट करें, वापस आ जाएं अपने अपार्टमेंट में, क्योंकि वो अपार्टमेंट फर्निश्ड अपार्टमेंट तो आपके पास 1 महीने के लिए है ही है। तो आपको एक मौका मिल जाता है खुद को स्टेबल करने का। आप मार्केट में जाते हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स देखते हैं, मुख्तलिफ फ्लैट्स देखते हैं, मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स देखते हैं, उसको फाइनल किया, वापस शाम में आ गए, फिर अगले दिन गए, थोड़ा सा फर्नीचर फिक्स किया, थोड़ी सी चीजें आपने बेसिक मतलब क्रॉकरी फिक्स की, आपने यू कैन से लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपने थोड़ी थोड़ी चीजें सेटअप की, क्योंकि जब फैमिली आपके साथ होती है तो चीजें आपकी वाइफ आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ है, तो आप इजिली उनको फर्निश्ड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी फैमिली के साथ मूव करने के लिए बड़ी रीजनेबल है कि वन टाइम आपने उसको 200 ओमानी रियाल पे किया, आपकी ये परेशानी खत्म होगी कि रहना कहाँ, खाना कहाँ, वो फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको मिलता है, आपको कंफर्टर्स, आपको बेड्स, एवरीथिंग आपको मिलता है, वहां शिफ्ट हो जाता है। मीन वैल्यू से 1 महीने में आप ये चैलेंज बना लेते हैं कि यार मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल शिफ्ट होना ही होना है। तो ये भी एक तरीकाकार है। अब मैं पहले वाली बात पे दोबारा आ जाता हूँ कि एक अगर आप शिफ्ट हुए हैं, सिंगली आप शिफ्ट हो गए, एक मर्द एक बंदा अगर शिफ्ट हो गया, फैमिली का जो ब्रेड अर्नर है आप अगर शिफ्ट हो गए, तो मर्द तो एक बेड स्पेस पे भी रह सकता है, एक शेयर्ड रूम में भी आप लोग रह सकते हैं, तो वो फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास भी अवेलेबल है, बाहर भी हमारे क्लाइंट्स भी रह रहे हैं, आप उनके साथ शेयर्ड अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जब आप रहने के फेज से फ्री हो जाएंगे, मैं कल भी एक क्लाइंट से जिक्र करता, जब आप इस परेशानी से फ्री हो जाएंगे, यार मैंने रहना कहां है और मैं रह लिया, नाउ आई एम ओके, तब आप फोकस कर सकते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, तब आप अपनी तमाम एनर्जीज के साथ, तमाम अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप बिजनेस सर्च कर सकते हैं, बिजनेस हंट कर सकते हैं, बिजनेस की तरफ आप मूव हो सकते हैं, फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का फेज स्टार्ट हो जाता है आपके लिए। सो हम बात कर रहे थे बेसिकली इस व्लॉग में कि फैमिली सेटअप की, मैंने आपको बता दिया कि आपके ये एक्सपेंस है, गाड़ी ले लें आपकी मर्जी, गाड़ी ना लें आपकी मर्जी, 800 टू 1000 ओमानी रियाल से लेकर 10,000 12,000 ओमानी रियाल तक की गाड़ियां मौजूद हैं। आपको 1,000, 1,200, 1,500 ओमानी रियाल में भी गाड़ी इजीली मिल जाती है, फैमिली कार मिल जाती है, और आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या है। नंबर 3, सबको हमने पहले भी कई दफा व्लॉग्स में बताया, हर व्लॉगर कई दफा ये चीज शेयर कर चुके हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना है, लाइसेंस के बगैर लाइक आपको ड्राइविंग लाइसेंस और उसका प्रोसेस और वो टेस्ट, ये 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने 2 महीने तो खैर ज्यादा है। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, क्लाइंट्स मौजूद हैं जिन्होंने 18 दिन में 22 दिन में 1 महीने में 1.25 महीने में उन्होंने लाइसेंस ले लिया। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है देन यू आर टोटली फ्री, उस सारे टाइम फेज में आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, अपने रिहाइश रख सकते हैं, आप एक सेटलिंग फेज के बाद मीन वेल आप साथ साथ टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट 3 से 4 किस्म के होते हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन रोड ड्रम स्लो का टेस्ट होता है, देन रोड टेस्ट होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है इस फेज में, जिस वजह से मोस्टली और हमेशा मैं आपको गाइड करता हूँ कि 2 से 3 महीने का बैकअप अपने रहने का, अपने ग्रोसरी का आप लेकर आए, जरूर लेकर आए, मतलब इन तमाम चैलेंजेस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए और आपके माइंड मेकअप कर करें। नंबर 4, अब आ जाते हैं बच्चों की फी, बच्चों की एजुकेशन कैसी। अगर मैं एजुकेशन के हवाले से टिल ओए लेवल्स या टिल मैं मैट्रिक तक की हमारी जैसे हमारे उसकी बात करूं, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, यू नेम द करिकुलम, आपको वो करिकुलम मिलता है।
हम बिल्कुल बिलो बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं, आपको लोकल स्कूल्स मिलते हैं यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन के लिए मैट्रिक और ए लेवल तक, आपको पाकिस्तानी स्कूल्स मिलते हैं, हर बड़े शहर में पाकिस्तानी स्कूल्स मौजूद हैं, जैसे सोहार में मौजूद है, निजाम में मौजूद है, मस्कत में मौजूद है, हर बड़े शहर में पाकिस्तानी स्कूल्स मिलते हैं जो पाकिस्तानी एम्बेसी के अंडर चल रहे हैं। उनकी फीस स्टार्ट होती है 40-45 ओमानी रियाल से लेकर 60-70, 65-70-80 ओमानी रियाल। क्लासेस टू क्लासेस वेरी करते हैं, अच्छे स्कूल्स हैं उस पर भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा उन स्कूल को विजिट करने के बाद, उनके बहुत जल्दी उनके प्रिंसिपल्स के साथ बैठकर। फेडरल बोर्ड का करिकुलम है, मोस्टली ब्रांचेस में ओए लेवल्स की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। ये एक बच्चे की स्कूल फी मैंने आपको बताई है। नेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पर, अमेरिकन करिकुलम, यूके करिकुलम, यू नेम द करिकुलम, आपको वो करिकुलम मिल जाता है। 45-40 ओमानी रियाल पर मंथ एक बच्चे की फीस से लेकर 270 ओमानी रियाल, 300 ओमानी रियाल पर मंथ, इवन के 330 ओमानी रियाल पर मंथ तक स्कूल्स मौजूद हैं। आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं आपको मिलेगा, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं आपको मिलेगा, आपने अपने बच्चे को कैसा ब्रॉटअप देना है, कैसी एजुकेशन देनी है। ओमान में एजुकेशन चैलेंज नहीं है, ए लेवल्स तक, ओ लेवल्स तक एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको बच्चे को किस किस्म का माहौल देना है। इस लेवल के स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे करिकुलम के स्कूल्स मौजूद हैं इंटरनेशनल लेवल के इंसान परेशान हो जाता है। If you want कि आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ की मंथली फी 150 ओमानी रियाल हो, 200 ओमानी रियाल हो, आपको उस लेवल के स्कूल्स भी मिलेंगे, तो स्कूल्स चैलेंज नहीं है यहाँ पे। मीनवाइल अब्रॉड में बहुत ज्यादा एक नॉर्मल, यूरोप में वहाँ के कल्चर को लेकर और वहाँ के इश्यूज को लेकर, बुली सिस्टम को लेकर, एलजीबीटी के इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा फैमिलीज इस तरफ मूव कर गए हैं कि वो होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स में कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे मौजूद हैं जो बच्चों को पहले से होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, चाहे वो यूरोप से आए हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर से आए। होम स्कूलिंग का ट्रेंड भी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, कोरोना ने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर और एक और स्कूल ऑफ थॉट एक दिया लोगों को कि हम बच्चों की एजुकेशन फ्रॉम होम भी करवा सकते हैं, तो एज वेल वो एक ऑप्शन भी मौजूद है। ये पूरा व्लॉग बनाने का जस्ट मकसद यही था कि हम इसमें क्लियरली ये एक्सप्लेन कर सकें कि आपकी फैमिली की लिविंग कॉस्ट क्या है, आपके बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंस क्या है। एक बेसिक फैमिली की लिविंग कॉस्ट अगर आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर भी चलें तो 300-350 ओमानी रियाल पर मंथ है, इसका माइंड आप बनाकर आए। आपको कोई भी बिजनेस इनिशियली स्टार्ट करना है अगर आप इसको जितना भी स्क्वीज कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट 250-300 जरूर माइंड में रखें। बट एक बेसिक और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए 2-3 फैमिली मेंबर्स अगर आपके साथ हैं तो 400-500 ओमानी रियाल तक भी आपका एक्सपेंस चला जाता है। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। आपको कोई बिजनेस भी अगर स्टार्ट करना है तो या फैमिली के साथ भी मूव होना है तो 2-3 मंथ्स उसकी एक्सपेंस या कॉस्ट आपने बैकअप तो माइंड अपने माइंड में रखनी है। कोई बिजनेस भी अगर गाइस आपको स्टार्ट करना है, व्यूअर्स आपको स्टार्ट करना है, तो उसका भी 3-4 महीने तक एक्सपेंस अपने माइंड में जरूर रखें। ये बैकलॉग आप लेकर आए, देन आप ओमान में मूव हो और जरूर मूव हो। हमारी गाइडलाइंस मौजूद है, हमारी सर्विसेज मौजूद है, हमारी सर्विसेज बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से लेकर फैमिली एस्टेब्लिशमेंट तक मौजूद है। वो सर्विसेज क्या है, आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, आपकी गाइडलाइंस, आपके आपका पेपर वर्क, तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।